सुने आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य सुने, जो लोग स्कूल वगैरह गए हैं इतना तो सुने होंगे। ये एक दौर गुजरा है, लाल वाला जो है ना, ये एक पूरा दौर गुजरा। इसमें लाल पूरे इलाके पे चंद्रगुप्त मौर्य की एक डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी। ये बहुत गौर से सुनिए आप लोग, आप लोग समझ रहे होंगे टाइम खराब कर रहा हूं, टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अहम चीजें बता रहा हूं, बोलता हूं क्या बता रहा था इतनी देर से, मगर पूरे नक्शों को अच्छा गौर से याद रखना। ये पूरा दिख रहा, अब देखो अगर इसको गौर करके देखे तो इसमें पाकिस्तान वगैरह के एरिया भी आगे देखो दिख रहे हैं। ये पूरे हिस्से इंडिया के बाहर के, फिल वक्त का जो इंडिया है उसके बाहर के एरिया है। ये पूरे एरिया में लगभग देखिए आप 240 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक मौर्य डायनेस्टी का राज था। इसी मौर्य डायनेस्टी में आपको मिलेंगे अशोका। अशोका का नाम सुने, हमारे त्रिमूर्ति जो आती वही अशोका का एम्बलेम है, चार शेर वाले, सुने नहीं सुने? चंद्रगुप्त मौर्य के उसी उसमें थे उन्हों, वो पीरियड में थे ये, अच्छा देख लो। अच्छा पूरे इंडिया पे है लोग, पूरे इंडिया पे नहीं है बराबर। जब ये डायनेस्टी पूरी खत्म हुई ना चंद्रगुप्त मौर्य की, जब इनका मौर्यन राज खत्म हुआ तो ये लोग यहां से लेके अफगानिस्तान के अंदर तक चले गए थे पूरा, समझ रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे अफगानिस्तान के अंदर कैसा गए भाई, बोल गए उस जमाने में कुछ भी ना था, बॉर्डर्स कुछ भी नहीं थे, नहीं समझे? लोग कहीं भी सफर कर लेते थे, कोई बॉर्डर नहीं था, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, कोई आर्मी ठहरी हुई नहीं थी, कोई फेंसिंग नहीं थी, आराम से लोग अल्लाह की जमीन पे घूमते फिरते रहते थे। तो कहां तक देखो आप, पूरा अफगानिस्तान के अंदर तक चले गए, यहां से यहां तक। अगर आज से 5000 साल पहले की भी इंडिया की तारीख निकाल लिए तो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर इन लोगों की हुकूमत थी। कितने? इतनी बड़ी मौर्य हुकूमत के उतनी बड़ी हुकूमत हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी हुकूमत कोई भी और कायम नहीं करे। 5000 साल की तारीख लेके देखे तो इतनी बड़ी हुकूमत कोई भी, इसकी सबसे बड़ी अहम बात क्या है पूछो आप? अशोका जो थे ना, इनकी नस्ल में तीसरे बादशाह थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य की नस्ल में कौन से नंबर पे थे? कब शुरू हुआ वाला में? 200 ईस्वी में, ईसा अलैहि सलाम के शुरू हुआ, तीसरे उन्हों थे। उन्हों कट्टर बुद्धिस्ट थे, हिंदू नहीं थे, मैं मालूम। कलिंगा की जंग हुई, कलिंगा की जंग में कई खून खराबियां हुए, उसके बाद उन्हों बुद्धिस्ट बन गए। तारीख में हिंदुस्तान की, आज मैं आप जो बैठे हुए यहां पे, आज के टाइम तक जब से हमारे को तारीख मालूम है, ये अकेला ऐसा बादशाह गुजरा दलील की बुनियाद पे। मुंह से तो कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह को जो आया बोल लो, पैसे नहीं जाते उसमें, कुछ भी बोल सकते, तोहमत लगा सकते, गाली दे सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन दलील, दलील मतलब सबूत की बुनियाद पे अशोका हिंदुस्तान की पूरी तारीख का, गौर से अच्छा सुन के याद रख लेना, ये बहुत अहम बात बोल रहा हूं। अशोका हिंदुस्तान